नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग सदावर्ती चौक आजमगढ़, फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल, गोमती ग्रामीण, निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बंपर वैकेंसी, वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अकम्प्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। पुलिस के डायल 112 नंबर की विभिन्न योजनाओं के बारे में आमजनों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजनों को किसी भी आपात स्थिति में यूपी 112 पर कॉल करके विभिन्न सेवाओं के लाभ लेने की जानकारी दी गई। साथ ही 112 के माध्यम से पुलिस सहायता के अतिरिक्त आग लगने पर अग्निशमन वाहन, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस और प्राकृतिक आपदा के समय एनडीआरएफ की सेवाएं ली जा सकती हैं। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर चलती ट्रेन में भी आपात सहायता 112 के माध्यम से ली जा सकती है। महिलाओं और बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान महिलाओं और बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यूपी 112 द्वारा विशेष तौर पर योजनाएं संचालित की जा रही हैं। घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए पीड़ित महिलाओं का 112 में पंजीकरण किया जाता है। बुजुर्ग लोग यूपी 112 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा कर सवेरा योजना का लाभ ले सकते हैं। डायल 112 जागरूकता अभियान का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक शहर शैलेंद्र लाल ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि डायल 112 नंबर पर मिलने वाली सुविधाओं और उससे होने वाले लाभ के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। 112 सेवा आने के बाद जरूरत पड़ने पर लोगों तक कम से कम समय में पुलिस की मदद पहुंच रही है। लोगों को अगर सही कहीं कोई समस्या है तो जरूरी नहीं कि वो थानों पर जाएं, अधिकारियों के चक्कर लगाएं, बस वो एक कॉल कर दें। 8 से 10 मिनट के अंदर पुलिस की मदद उन तक पहुंच जाएगी, उनकी समस्या का मौके पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस जागरूकता अभियान के तहत 112 डायल पुलिस सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करने और संबंधित जानकारी देने का अभियान चलाया जा रहा है। केवल झगड़े व मारपीट में ही नहीं बल्कि किसी भी आपात स्थिति जैसे आग लगने, महिलाओं से छेड़छाड़, चलती ट्रेन में सहायता, चाइल्ड हेल्प, वरिष्ठ नागरिकों हेतु सवेरा योजना, संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना, प्राकृतिक आपदा, मेडिकल इमरजेंसी में भी आप 112 नंबर डायल कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही स्क्वाड सुविधा जिसमें रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अकेली महिला को उनके गंतव्य तक पहुंचने की व्यवस्था, अभियान के तहत लोगों को पैम्पलेट स्टीकर आदि दिया गया। ये पब्लिक को 112 के प्रति जागरूक करने के लिए ये स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें पैम्पलेट्स दिए जा रहे हैं, एटीएम के कार्ड्स दिए जा रहे हैं, बच्चों को स्वीट्स दिए जा रहे हैं, जो कि सबको लोग इसके बारे में अवेयर हो और कोई भी इमरजेंसी पड़ने पे, कोई भी सहायता की आवश्यकता पड़ने पर 112 मिलाकर पुलिस की हेल्प मांग सकें आसानी से। इस समय वर्तमान में लगभग 8.5 मिनट का रिस्पांस टाइम शहर का 112 की गाड़ियों का है और देहात में करीब 9.5 मिनट का है। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और जल्दी से जल्दी हमारे कर्मचारी 112 के पहुँच कर इमीडिएटली अटेंड करते हैं और समाधान कराते हैं। शहर के मुख्य चौक स्थित दक्षिणी मुखी देवी की त्रिदिवसीय श्रृंगार उत्सव की शुक्रवार से शुरुआत हो गई। श्रृंगार उत्सव को लेकर मंदिर परिसर में कई दिनों से तैयारी चल रही थी। सुबह से ही आकर्षक रूप से सजाए गए मंदिर में पहुंचकर भक्तों ने दक्षिणमुखी देवी का दर्शन पूजन कर किया गया। पहले दिन में वे बिस्किट व 20 के नोटों से हुआ माता का दिव्य श्रृंगार किया गया। भीषण ठंड व गलन की भी शुक्रवार को दिन में थोड़े समय के लिए धूप निकली पर मंदिर में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। लोगों ने माँ के अद्भुत रूप के दर्शन किए। Bye.
गौरतलब है कि दक्षिण मुखी देवी मंदिर प्रबंध समिति के तत्वधान में हर वर्ष देवी का वार्षिक श्रृंगार व छप्पन भोग उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव की तैयारी मंदिर परिसर में कई दिनों से चल रही थी। गुरुवार की देर रात तक साज सज्जा से लेकर सारी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया। शुक्रवार की सुबह मंदिर का कपाट खुलते ही मां के आकर्षक श्रृंगार के दर्शन को लेकर लोगों का रेला उमड़ पड़ा। ठंड के चलते सुबह के वक्त भीड़ कुछ कम थी, लेकिन दिन में धूप निकलते ही देवी भक्तों का रेला मंदिर पर दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़ा। 3 दिवसीय उत्सव के तहत मंदिर प्रबंधक समिति ने आकर्षक सजावट करवाई। फूलों व झालरों से सजा माता का दरबार रात के वक्त काफी आकर्षक लग रहा था। मंदिर समिति ने मां के भव्य श्रृंगार के साथ ही छप्पन भोग का प्रसाद भी चढ़ाया। शाम के वक्त गलन बढ़ने के बाद भी लोगों ने कपकपाते हुए मंदिर पर पहुंचकर मां दक्षिणमुखी के भव्य स्वरूप का दर्शन किया। आज का श्रृंगार वार्षिक श्रृंगार है, जो कि हर साल होता है। 2 दिवसीय श्रृंगार है, लेकिन इस बार 3 दिन का हमने रख दिया है और बहुत ही भव्य सजावट होती है। यहाँ पर दूर दूर से लोग इस सजावट को देखने के लिए, श्रृंगार को देखने के लिए माता जी के चरणों में अपना सर नवाते हैं, जिससे उनको माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस तरह का जो भी प्रयोजन होता है, आयोजन होता है, ऐसी जगहों पर दिव्य शक्ति विराजमान रहती हैं और जो सभी शक्तियां हैं एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर माता जी का दर्शन करने के लिए वहां पर उपस्थित रहती हैं। और इस बार जो है वो माता जी का वस्त्र वो बना हुआ है, मेवे का बना हुआ है और बिस्किट का है और नोट का, 20 के नोट का बना हुआ है। इस बार वस्त्र कुछ अलग बनाया गया है और इस बार झांकी जो है वो दक्षिण खाटू श्याम जी की झांकी यहाँ पर बनी हुई है और सभी भक्त बहुत ही खुश हैं, बहुत लालायित रहते हैं इस दिव्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए। और साथ में ही छप्पन भोग का भी आयोजन होता है, जो 56 प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, मेवा होता है, उनका भोग लगता है, फल भी रहता है और इन सभी चीज़ों का माता जी का भोग लगता है। और तीनों दिन अलग अलग श्रृंगार रहेगा, यानी माता जी का जो है वो अलग अलग वो श्रृंगार रहेगा। आपको बता दें कि एक ऐसा मंदिर है जहां से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मां के दरबार में आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। ये कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि यहाँ दक्षिणमुखी देवी विराजमान है। दक्षिण एशिया में ऐसे मात्र 2 मंदिर ही मिलेंगे, यही वजह कि यहाँ 12 महीनों भक्तों का तांता लगा रहता है। विंध्याचल व वैष्णो धाम जाने वाले भी यहाँ माँ के दर पर मत्था टेक आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कहते हैं दक्षिणमुखी देवी के दरबार में जहाँ हमेशा दीपक की ज्योति जलती रहती है, वहीं यह ऐसा स्थान है जहाँ भक्तों की आशा की ज्योति भी नहीं बुझती, बस जरूरत है कि दिल से माँ का ध्यान करने की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गुरु ग्रंथ साहब सरदार जी कटरा पुरानी कोतवाली पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पावन प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक सरदार अमीर सिंह ने अरदास पाठ किया एवं राजेश सिंह, राकेश सिंह व दीपक सिंह ने भक्तों में कड़ाह प्रसाद वितरण किया। सुबह से ही शब्द कीर्तन चलता रहा एवं बोले सो निहाल सर श्री अकाल के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस मौके पर प्रतीक सिंह, शुभम सिंह, विनायक सिंह, सुरेश जायसवाल, जयप्रकाश मोदनवाल, आकाश गुप्ता, पवन गुप्ता, हरिशंकर चौरसिया, श्री चंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। गुरुद्वारा व्यवस्थापक विनायक सिंह सरदार ने बताया कि ये वर्षों से कार्यक्रम होता चला आ रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोगों में धर्म के रास्ते पर चलने का संदेश देते हैं। ये वर्षों से चली आ रही एक कार्यक्रम है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, जो बड़े ही धूमधाम से हमारे यहाँ मनाया जाता है। इसमें हर जाति के, हर समाज के लोग हमारे यहाँ आते हैं। कड़ा प्रसाद का वितरण होता है, सुबह से ही भजन कीर्तन, शब्द कीर्तन, कड़ा प्रसाद का वितरण, अरदास पाठ होता है और काफ़ी वर्षों से ये कार्यक्रम होता चला आ रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि धर्म के रास्ते पे सभी लोग चलते रहें, बढ़ते रहें, सच्चाई के मार्ग पर चलें, यही संदेश हम लोग देने का प्रयास करते हैं और सभी धर्म, सभी जाति के लोग यहाँ पर हिस्सा लेते हैं इस कार्यक्रम में। चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स के सौजन्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
पलहनी में जिले के प्रथम हेल्थ एटीएम का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने उद्घाटन लोकार्पण किया। जिलाधिकारी ने चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स के अनूठे पहल सराहना करते हुए इसे आम जनता के लिए हितकारी बताया और अन्य संस्थाओं से भी ऐसे ही जनहितकारी कदम उठाए जाने के लिए कहा। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सक एवं टेक्नीशियन ने मशीन की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि इसके द्वारा 150 से ज्यादा स्वास्थ्य जांच संभव है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आईएन तिवारी, एसीएम डॉक्टर संजय कुमार, स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर शकील अहमद, चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स के प्रबंधक डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी, प्रबंध समिति के सदस्य वेदांत त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी, शशांक त्रिपाठी, सुधीर पांडे, प्रधानाचार्य विजय कुमार दुबे सहित अन्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी तथा संबंधित गण उपस्थित रहे। जैसे कि कोई भी आता है मरीज तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है जांच कराने में, उन लोगों को सदर अस्पताल जाना पड़ता है। कुछ कुछ जांचें यहाँ हो जाती थी पहले, कुछ जांचें जैसे लिपिड प्रोफाइल हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, जैसे किसी की किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, लीवर में दिक्कत आ रही है, तो उस जाँच की मशीनें थोड़ी महंगी आती थी तो यहाँ पर कराने में दिक्कत होती थी, तो उसके लिए हम लोग को सदर अस्पताल भेजना पड़ता था और आदमी जो सदर अस्पताल नहीं जाता था उसको कहीं से और कराना पड़ता था। उसे मरीजों को या तो चक्रपानपुर मेडिकल कॉलेज भी भेजा जाता था। इस मशीन में 5-6 चीज ऐसी चीज़ है जो कि मरीजों को बहुत ही आसानी होगी, जैसे क्रिएटिनिन की जांच मुफ्त में हो जाना, उसकी जांच अच्छी खासी महंगी पड़ जाती है अगर मान लीजिए आदमी प्राइवेट में करा रहा है तो यहाँ पे आम जनता के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। जैसे कि क्रिएटिनिन की जांच है, इसमें लिपिड प्रोफाइल है, शुगर जो 6 महीने में जाँच होती है, शुगर की HbA1c होती है जो आपकी लिपिड शुगर की 3 महीने की रिपोर्ट तो परफेक्ट बता देती है कि शुगर है कि नहीं आपको। फिर इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें आपको जैसे BMI कहते हैं कि वजन कितना होना चाहिए हाइट के हिसाब से, मरीज का वहाँ वजन करा के उस पर हाइट करा देना है, ठीक है। बाकी इस मशीन का सबसे बड़ा गुणवत्ता ये है कि बहुत सी जांचें होती है जो मरीज नहीं करा पाता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मरीज के लिए बहुत बड़ा एक वरदान साबित होगा। जैसे क्रिएटिनिन की जाँच से आप लोग सुने होंगे कि किडनी में आपका बढ़ गया, किडनी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी जाँच के लिए मरीज कहाँ कहाँ लंबो घंटों लाइन लगाता था, यहाँ पर चुटकियों में ब्लड की सहायता से तुरंत ही जाँच क्रिएटिनिन हाथों हाथ मिल जाएगी। रही बात अभी टेक्नीशियन लोग आए हुए हैं इसको संभालने वाले, और कुछ दिन में हमको लगता है कि एक LT इसके लिए जो कि थोड़ा स्पेशलिस्ट हो, उसमें हमारे यहाँ 2 LT हैं लेकिन वो इसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस बारे में। उसके लिए आज उसका जो उद्घाटन करने के लिए DM साहब ने अपना कीमती समय निकाला और उन्होंने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर के बिहारी जी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखा गया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संत प्रसाद अग्रवाल, चंडिका नंदन सिंह, अशोक सोनकर, विनय गुप्ता, शैलेंद्र अग्रवाल, हेमेंद्र सिंह, मयंक गुप्ता, संजय निषाद, रमाकांत राजभर, मनोज बौद्ध, अशोक कुमार गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज बिहारी जी के मंदिर में हम लोग चौक पे हम सभी नगर के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और माननीय मोदी जी की माता जी की आज सुबह जो है देहावसान हो गया है, जिसके शोक में हम लोग यहाँ पर एक शोक सभा किए हुए हैं। नगर के सभी संभ्रांत नागरिक गण उपस्थित रहे हैं, इसमें आदरणीय संत प्रसाद अग्रवाल जी हैं, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल जी हैं, अशोक सोनकर जी हैं, विनय प्रकाश गुप्ता जी हैं और सभी कार्यकर्ता गण हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी एवं और नागरिक गण हैं। आजमगढ़ के शहर कोतवाली के रोडवेज स्थित एक शॉपिंग मॉल के बाहर संदिग्ध सूटकेस मिलने के बाद सनसनी फैल गई। शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों द्वारा इस बाबत रोडवेज चौकी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद रोडवेज चौकी इंचार्ज अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किए। जब शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों से CCTV फुटेज देखने के लिए कहा गया तो कर्मचारियों ने बताया कि सुबह 6 बजे इन्वर्टर बंद होने से उसके बाद की कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, उससे पहले ये सूटकेस यहाँ पर नहीं था। मामला संदिग्ध होने पर डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की टीम के आने के बाद संदिग्ध सूटकेस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस बाबत रोडवेज चौकी इंचार्ज से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि कोई खतरे की बात नहीं है, लगता है कोई अपना सूटकेस भूल गया है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक
एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए चार चांद, होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग सरावर्ती चौक आजमगढ़। साउथ इंडियन डिशेज अवेलेबल, 7 टाइप्स ऑफ डोसा, छोले भटूरे, बर्गर, पास्ता, रैप्स एंड रोल्स, मटका बिरयानी, फ्री तंदूरी ब्रेड्स इन लंच आर। वी आर अवेलेबल फॉर किटी, बर्थडे, एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फेयरवेल पार्टी एंड आउटडोर केटरिंग। फ्री होम डिलीवरी। मटका बिरयानी हैज स्टार्टिंग चंपारण वेरी सून। वैलेट पार्किंग अवेलेबल। मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग सदावर्ती चौक आजमगढ़।